संचालक महोदय, बड़े भाई डॉक्टर रामजतन राजभर जी, आज मैं कुड़ी की क्रांतिकारी धरती पर माता शिक्षा की देवी सरस्वती पूजा व चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जन्मदिन पर हम लोग जो 1013वां जयंती पूरा देश मना रहा है और मैं समाज के सभी उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों तथा ये पूरी जो पूरी ग्राम सभा की कमेटी है, पूरी कमेटी को मैं तहे दिल से नमन करता हूं कि आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और जितने भी पदाधिकारी सम्मानित कार्यकर्ता है जिन्होंने बहुत ही सुंदर समारोह का जो कार्यक्रम किया है, मैं आप लोगों के चरणों में सर रख कर नमन करता हूं। क्योंकि आज किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर किसी की हस्ती को मिटानी है तो उसके इतिहास को मिटा दो। साथियों, अपने इतिहास, अपने पूर्वजों की याद में जो आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है, इसका संदेश पूरे देश, पूरे प्रदेश, पूरे विश्व स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से जाना चाहिए और मैं कामना करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप लोग अनवरत हर आने वाले वर्ष में इसी तरह से हर्षोल्लास से एकजुट और संगठित होकर के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जीवन गाथा को याद करके अपने नन्हे मुन्ने बच्चे और युवाओं को इतना ऊर्जा भर दो साथियों कि जिस तरह से चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने तमाम देश पर आए आतंकवादी लुटेरों का संघर्ष सामना करके अपने देश में भाईचारा कायम रखा, गंगा जमुनी तहजीब अमन चैन कायम करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, उस संघर्षों को याद करते हुए अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। उतारते हुए मैं एक शहर के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, ऐसा पत्थर की तलाश करो जिससे टूट जाता है शीशा, लेकिन ऐसे शीशे की तलाश करो जिससे वो पत्थर। साथियों, आज इतनी बड़ी क्रांतिकारी, इतने बड़े महापुरुष का जो हम लोग इतने हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन मना रहे हैं, हर जन जन को, हर युवाओं को कि ये हमारे पूरे देश के आदर्श रहे और इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी के आन बान शान पर कहीं से आंच नहीं आनी पाए। समाज के साथ उत्पीड़न, अत्याचार, पूरे देश के जितने भी मार्गदर्शक समाज सेवी नेता, जितने भी दल के लोग हैं, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी की विजय गाथा हर दल, हर समाज, हर पंथ, हर धर्म के लोग उनका लोहा मानते हैं और उनको भगवान की तरह पूजते हैं और वास्तव में ऐसे महापुरुष फिर जन्म नहीं लेने वाले। लेकिन साथियों, उस महापुरुष के आदर्श पे चल करके हम लोग अमन चैन कायम रख सकते हैं। हम एकजुट होकर के अपनी लूटी हुई इतिहास को, अपने लूटी हुई आजादी को वापस ला सकते हैं। फिर से चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव वापस तो नहीं आने वाले, लेकिन उनके पथ चिन्हों पे चल करके, उनकी क्रांति को आदर्श मान करके हम लोग उस अमन चैन को, उस भाईचारा को कायम कर सकते हैं। साथियों, उनके इतिहास को पढ़ो और उनको जानो और उस क्रांतिकारी लड़ाई को पहल बना करके, कदम से कदम मिला करके, संगठित होकर के चलो साथियों। और मैं कुछ ऐसे लोगों को एक संदेश देना चाहूंगा कि कुछ लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के आन बान शान पर उंगली उठाते हैं कि वो हमारे समाज के वंशज हैं, वो हमारे समाज के नेता हैं, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, मैं पूरे देश के महाराजा सुहेलदेव राजभर हैं, लेकिन टाइटल बदलने से नहीं होगा। आप खुद लगा करके मंदिर मूर्ति की स्थापना कराइए,
पूजा करने के लिए पूरा देश, पूरा राजभर समाज समर्थन में है। केवल किताबों में, केवल पन्नों पर लिखने से कहीं चट्टी चौराहे पर, नगी चौराहे पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम को मिटाने से आपके महाराजा नहीं होंगे। आप भी जयंती और विजय दिवस मनाओ, हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेर के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि नजर से नजर मिलाओ तो कोई बात बने, करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने। जहाँ लहू सूख गया है शहीदों का, उसमें कुछ अपना खून मिलाओ तो कोई बात बने। साथियों, कुछ अपना